नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिनभर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए यूपी के बड़े विपक्षी दल रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि हमने हमेशा सम्मान देने का काम किया है, लगता है बहन जी किसी के दबाव में बोल रही। काम किया समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही है। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तो वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है। नागालैंड के कोहिमा में राहुल गांधी ने ये बात कही। राहुल ने कहा कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वह राजनीति से प्रेरित है और ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है और इसमें जाना कठिन है। जो तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस आर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स हैव कैप्चर्ड अ फंक्शन एंड टर्न्ड इट इनटू अ इलेक्शन फंक्शन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। आपको बता दें कि सोमवार को इसकी पुष्टि पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल और आप नेता राघव चड्ढा ने की। चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव होगा। गठबंधन के तहत पहली बार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद कांग्रेस को मिलेगा। दोनों पार्टी एक दूसरे का समर्थन करेगी। टीम इंडिया का सामना देश की, दुनिया की किसी भी टीम से हुआ, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया। हमारा यह मानना है कि 18 जनवरी के चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे। और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया 1, भाजपा 0। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन की 18 जनवरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद ये एक
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा और ये एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। खबर कौशाम्बी से है, जहां अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसके लिए चित्रकूट के भरतकूप से श्रीराम चरण पादुका को लेकर भक्त अयोध्या जा रहे हैं। भरतकूप से यह यात्रा 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन निकाली गई और दूसरे दिन कौशाम्बी पहुंची। यहां यमुना तट के महेवा घाट पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद श्री रामचरण पादुका यात्रा ओसा के काशीराम अतिथि गृह पहुंची। यहां पर भी यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो वहीं इस यात्रा में जिले के तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल रहे। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर सियासत चल ही रही थी कि अब इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एंट्री कर ली है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता बीजेपी के लोग बांट रहे हैं और इसी बात से लोगों को एतराज हो रहा है। बीजेपी के लोग इस पर सियासत कर रहे हैं क्योंकि न्योता देने का काम मंदिर ट्रस्ट की कमेटी का है। बाईस जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। अयोध्या में श्री रामलला के बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि कई राज्यों में रामलला के दरबार के लिए विभिन्न चीजें जा रही हैं। इसी संदर्भ में आगरा से भी श्री रामलला की भोग प्रसादी के लिए 56 भोग पैट से तैयार किए जा रहे हैं। ये 56 भोग कई जिलों से होते हुए रथ से लेकर जाया जाएगा, जिसकी विशेष तैयारी की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर नोएडा से है, जहां किसानों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में स्पाइस मॉल से डीएम कार्यालय तक किसानों का पैदल मार्च निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा प्रदर्शन में मौजूद रहे। यहां पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर इटावा से है, जहां सरकार का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्लांट की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अब जहरीली धुआं निकलने लगा है, जिससे कि आसपास के ग्रामीणों की आंखों में जलन होने लगी है, जिसको लेते वे लोगों का कहना है कि कचरा प्लांट में गोवंशों का शव फेंका जाता है, जिससे कुत्ते अपना शिकार बनाते हैं। तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि सत्ताधारियों के संरक्षण के कारण संबंधित अधिकारी भी इस मामले में मलाई चाटने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर आज एक नई शुरुआत हुई है, जिसके चलते चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन बड़ा काम करेगा और देश में एक बार नई राजनीति देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी दे एक कुशासन दा खात्मे दी शुरुआत हुई है। मैं कहांगा चंडीगढ़ दे विच भी ते केंद्र दे विच भी कि कई महीने पहला तो आपस में 26 पार्टियां दा इकट्ठे मिलके चर्चा हुंदी रही, इंडिया ब्लॉक बनाया कि असीं लोकसभा वाले इलेक्शन अते होर इलेक्शन अगानू इकट्ठे लड़ांगे। उहदे विच समय लगदा रहा है, आपस में मीटिंग्स हुंदियां रहियां ने। कांग्रेस ने एक 5 मैंबरी अपनी कमेटी बनाती, हर एक पार्टी ने अपने अपने मैंबर बनाते कि एक दूजे नाल चर्चा विचार विमर्श करन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मेयर चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है और तीनों पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं कि मेयर उनकी ही पार्टी का बने। लेकिन इसी बीच मंगलवार को कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि काफी संख्या में तीनों ही पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंच गए, तो वहीं अचानक इतनी भीड़ को देखते हुए कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मौके पर पहुंचना पड़ा। डीसीपी सेंट्रल गुरुमुख सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं भाजपा के सीनियर नेता संजय टंडन, भाजपा के उपाध्यक्ष देवेंद्र बबला समेत कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां रामोत्सव 22 जनवरी को होने जा रहा है। वहीं भारत में पहली बार सोलर बोट के जरिए योगी सरकार सरयू यात्रा कराने जा रही है। आप बता दें कि सीएम योगी के विजन मेक इन इंडिया के तहत यूपी नेडा सरयू नदी में सोलर बोट का संचालन करेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा नगर निगम यमुना नगर में आज कर्मचारियों के समान काम समान वेतन के भुगतान के लिए लगातार 8 दिन से नगर निगम के कर्मचारी इकट्ठे होकर शहर में उल्टा झाड़ू प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन अपनी हठधर्मिता और अड़ियल रवैये को छोड़ने को तैयार नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में महीने पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगी। जहां एक तरफ देश में राममय का माहौल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली में सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। अगली खबर हरदोई से है, जहां घर से दुकान पर सामान लेने गए युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि परिजनों ने पड़ोसियों पर गोली मारने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस ने गोली मारने की घटना से इनकार कर दिया है।
मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा है कि फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर भी रोक लगाते हुए हिंदू पक्ष को झटका दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी मगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी मिली है। यहां आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। आगामी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला करने के लिए खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने गैंगस्टर को साथ आने को कहा है। इतना ही नहीं, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी जान से मारने की धमकी मिली। खबर हरदोई से है जहां मोबाइल शॉप की दुकान से 10 लाख के फोन चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गले में रखी 50,000 की नगदी समेत 10 लाख के फोन चोरों ने उड़ा दिए। तो वहीं मंगलवार को सुबह जब इस बात की जानकारी दुकानदार को हुआ तो उसके होश उड़ गए। खबर गाजियाबाद से है जहां शीतलहर ठंड की वजह से सभी स्कूलों को 2 दिन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए थे लेकिन निर्देश के बाद भी शहर के स्कूल खुले हुए हैं और मजबूरन बच्चों को स्कूल आना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी गाजियाबाद से ही है जहां क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 4 शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है जहां पर उनके कब्जे से 4 अदद चोरी की लग्जरी गाड़ियां व वाहन चोरी में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य सामग्री पुलिस ने बरामद किया है। अगली खबर यमुनानगर से है जहां चोरी और चोरी के प्रयास लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि 13 और 14 जनवरी को एक एटीएम से 2 चोरों ने एक एटीएम को अपना निशाना बनाया। बता दें कि चोरों ने एटीएम तोड़कर उसमें से पैसे निकालने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो एटीएम से पैसा निकालने में असफल रहे। तो वहीं पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है जहां शाहबाद के गांव जंधेड़ी में के डेरे के पास 3 गोलियां चलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गोली चलाने के बाद सभी बदमाश गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक बिना सिम का फोन बरामद किया है। उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर पंजाब के लुधियाना से है जहां देर रात एक 45 वर्षीय व्यक्ति की गला काट करके हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मरने वाले के गले पर हमलावरों ने कांच की बोतल घोंप दी। हथियारों ने करीब 3 इंच तक व्यक्ति का गला बोतल से रेत दिया। आपको बता दें कि खून से लथपथ व्यक्ति अपना गला पकड़कर सड़क पर तड़पता रहा। आसपास के लोग जब एकत्र हुए तो बदमाश मौके से फरार हो गए। अगली खबर फिरोजपुर से है जहां पुरानी रंजिश को लेकर लगभग 15 से 20 व्यक्तियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गोलियां भी चलाई। बता दें कि 15 जनवरी को लगभग रात 9:30 बजे के करीब घर में घुसकर कुछ लोगों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार उन शरारती व्यक्तियों ने 1.5 लाख रुपये कैश और शादी के जेवर भी उठा ले गए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पठानकोट से है, जहां हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रणजीत सागर बांध की झील में प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल 4 गुना ज्यादा प्रवासी पक्षी आए हैं। तो वहीं वन्यजीव विभाग द्वारा इन पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है। अब तक 5,000 से ज्यादा साइबेरियन पक्षी भारत पहुंच चुके हैं। तो वहीं मेरठ में बीजेपी के मंत्री को जिंदा जलाने का बयान देने वाले सपा नेता की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ पर रासुका लगा दी है। उधर अनुसूचित जाति के लोगों ने फिर से महापंचायत का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुकेश सिद्धार्थ पर पहले से ही 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर भी हरदोई से है, जहां ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बता दें कि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मरीज के गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर व कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की मौत इलाज के चलते नहीं बल्कि हार्ट अटैक के चलते हुई थी, और जब तक मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक किसी भी मरीज का इलाज आगे हम करने नहीं करेंगे। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां लंबे समय से ईवीएम हटाओ को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बाद भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लंबे समय से ईवीएम हटाओ की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। यही कारण है कि आज भी अलीगढ़ में दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अगली खबर दिल्ली से है, जहां राम मंदिर में रामराज्य तक डिजिटल सीरीज को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पहुंचे। वहीं पद्मश्री माननीय अवस्थी और सांसद मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के जयकारों के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम भाजपा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने आयोजित किया। कि ये मंदिर गर्भगृह पे नहीं बना है, इससे 3 किलोमीटर दूर है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा ज्ञान निराशा और हताशा में से आ रहा है, और मैं भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ राम का जन्म हुआ था, यानी बीच के गुंबद के नीचे का निशान, केवल वही राम जन्मभूमि है और वहीं पर गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। इसलिए किसी प्रकार के दुष्प्रचार से हटने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर का मंदिर पूरा हो गया है, पर जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल की योजना से सोमनाथ का मंदिर बना था, तब तो केवल गर्भगृह बना था और राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन कर दिया था। जनता अब इस झांसे में नहीं आएगी, वो अपने प्रभु राम के मंदिर से प्रसन्न होगी और देश राम राज्य की ओर बढ़ेगा। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।